कोई फालतू की। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शिव मूर्ति, ये रही अपनी यामिनी। इसका नया नामकरण हम कर चुके हैं और अभी कुछ इस तरीके का लाइनअप है। एक हमारे साथ है जिक्सर, ये R15 फुल कस्टमाइज्ड, देन हमारे पास है RS 200, दो जिक्सर्स एंड एक अगेन R15। तो अभी तक ये है हमारा लाइनअप। ब्लॉगिंग का वैसे मूड नहीं था पर अभी शुरू कर दिया है। दोस्तों ने कहा है कि यार आप क्यों नहीं कर रहे, तो अपन ने शुरू कर दिया। ओ हो हो भाई, चलो आओ आगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने सेकंड मीटअप पॉइंट से। फर्स्ट हमारा अक्षरधाम था। थोड़ा सा उस टाइम जो है ना अंधेरा था, तो मैंने सोचा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है व्लॉग करने का, क्योंकि यार आप लोगों को अगर दिखेगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। निकलते हैं अपन। A few moments later. तो यहाँ से जाता है रास्ता GFR की तरफ, और GFR मेरा पहला टाइम है सही बताऊँ तो। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। तो GFR जो है वो पहले टाइम मैं जा रहा हूँ। सुना है GFR के बारे में कि काफ़ी वेवी रोड्स हैं, और हालांकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने वीडियोस में देखा था कि टूटी भी हुई है रोड्स। तो अपना आराम से चलाएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी ओवरटेकिंग नहीं, एंड चलो नज़ारे दिखाते हैं आपको। तो अभी हमें DLF यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, ये था रे बाबा। ओए होए, आई होप आपको आवाजें आ पा रही होंगी एग्जॉस्ट की।
ये देखो यार क्या प्यारा नजारा है यार, इसी के लिए तो अपन सुबह उठते हैं। ओ भाई आराम से, रोड्स मैन, व्हाट आर रोड्स, वाओ। आई नो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ये, और मैं नया हूँ इस रोड पे, इसलिए कोई फालतू की। आई नो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ये, और मैं नया हूँ इस रोड पे, इसलिए कोई फालतू की गाइस सही बताऊं तो गलती किसी भी नहीं थी, एकदम से टर्न आया। ओ एंड उस टाइम ब्रेक्स लगी, पीछे वाला जो टायर वो हल्का सा स्किड किया, पर बाइक फुल कंट्रोल में। R15 की सबसे बड़ी बात ये है कि हैंडलिंग के मामले में कोई किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो क्या रूट्स है यार, क्या रूट्स है, क्या रूट्स हैं। ये कैमरा एंगल बताना यार कैसा है, मतलब सही बताऊँ तो मैंने सेटअप किया हुआ है सुपर वाइड मोड में, ताकि आपको फील हो कि यार कैसे चल रही है बाइक। सीरियसली आप मेरी जगह खुद को रख के देखो, इसलिए मैंने ये सेटअप किया है। थोड़े से गड्ढे आ रहे हैं, इग्नोर करना। सो ज़रूर बताना ये आपको कैसा लगा जो ये मोड है। इसमें मुझे लगता है आपको मेरे हाथ दिख रहे होंगे, पूरा हैंडल जो है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, साथ में आगे का व्यू, मीटर्स, एवरीथिंग। तो एक स्टॉपेज है, लेट्स सी, आई डोंट नो व्हाई। क्या कह रहे हो, घूम के आए या फिर अभी जाए? फोन कर लेता हूँ उस बंदे को जो लक्ष्य था कोई। अच्छा रुको, फोन कर लेते हैं उसे। री जी एफ आर टोल, लक्ष्य जी एफ आर टोल पर है वो, चलो। हाँ हाँ वहीं चलते हैं, एक बार ना फ़ोन करके कंफर्म कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, ओके आओ जी एफ आर टोल चल रहे हैं। अरे बड़ा गंदा वो था यार, खड्डा ऐसे था वो नीचे जमीन के ऊपर। हाँ अरे यार वो जब एकदम से वो लेफ्ट लिया ना, एकदम से जब लेफ्ट लिया मेरे आगे पता नहीं जिक्सर वाला था शायद, वो था या एक और था भाई, उसने जो ब्रेक मारी ना मेरा पीछे वाला टायर यूं ही हो गया इनका यार। एक चीज देखने वाली है यार, यहाँ पर ना ट्रक्स बहुत हैं, सीरियसली बहुत ट्रक्स हैं। आई थिंक इसका रीजन शायद दिल्ली इंटर ना करना पड़े, इसी वजह से यहाँ पर गुड़गांव से फरीदाबाद बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा ट्रक वाले यहीं से क्रॉस कर जाते हैं ताकि दिल्ली में एंटर ना करना पड़े। एंड बहुत ही ख़राब रास्ता मुझे लग रहा है ये आ गया है। ओहो पूरी पूरी ऑफ रोडिंग। A few inches later. Okay, तो हम पहुंच चुके हैं GFR टोल। लक्ष्य अच्छा इतनी सारी आरुण चाहिए ये मोर वाले ही है इनका लगता है लोचन भाई ये क्या कर रहे हैं लोचन भाई को यहाँ से निकालता है लोचन भाई ये ओ भाई वो लगे भाई थोड़ा सा आगे लेके कर लो साहब ठीक है आप लगा लो। तो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी हमें GFR टोल और काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे और अभी हम सब जो है निकल चुके हैं। एंड एक फ़ोटोशूट उसके बाद अपन निकल चलेंगे। मेरे राइट पर है कूड़े का पहाड़ देख सकते हो आप कितना ही ऊंचा है यार कितना ही ऊंचा मतलब एक हमारे दिल्ली में है एक यहाँ पर है। आई डोंट नो क्यों रुके थे शायद यहाँ से मुड़ना है। ओके आई डोंट नो क्या डिसाइड हुआ है बैग रह गया अच्छा बैग रह गया उसका शायद हाँ ले लेगा देख पूछ लो क्या हुआ? बैग रह गया उसका शायद